चाय का खोज किसने किया। तो आइए जानते हैं, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई और भारत कैसे पहुंची। एक कथा के अनुसार करीब 2700 ईसा पूर्व चीनी शासक शेन नंग बगीचे में बैठे गर्म पानी पी रहे थे। तभी एक पेड़ की पत्ती उस पानी में आ गिरी, जिससे उसका रंग बदला और महक भी उठी। राजा ने चखा तो उन्हें इसका स्वाद बड़ा पसंद आया, और इस तरह चाय। ये बात ईसा से 2737 साल पहले की है। सन 350 में चाय पीने की परंपरा का पहला उल्लेख मिलता है। सन 1610 में डच व्यापारी चीन से चाय यूरोप ले गए और धीरे धीरे ये समूची दुनिया का प्रिय पेय पदार्थ बन गया का आविष्कार हुआ। इस तरीके से हमारे पास चाय आ गया। आज तो चाय का जलवा इतना है कि अब हर बात पर चाय चाय है। दुनिया में बहुत सारे चीज है। अगर कोई चीज खुद से बनाए जाए उसे आविष्कार कहते हैं। अगर कोई चीज खुद मिल जाए उसे खोज कहते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है।